तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट फर्स्ट पार्ट टैकल करते हैं तो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है ठीक है कॉन्वेक्स लेंस ऐसी होती है एंड इज केप्ट ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ठीक है तो ऑब्जेक्ट इधर ओ होगा मेरा ट्वेंटी सेंटीमीटर दूर ठीक है इधर कि इधर तो उसका ऑप्टिक सेंटर होगा ठीक है इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ और बोले रियल इमेज रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगी इसकी रियल रियल इमेज ऑप्टिक सेंटर से राइट में फॉर्म होगी कितने डिस्टेंस पे बोल रहे हैं सिक्सटी सेंटीमीटर तो सिक्सटी सेंटीमीटर ये ये किसका पॉइंट है ये इमेज इमेज डिस्टेंस है ठीक है तो अपने को पता है बाय लेंस फार्मूला बाय लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला क्या होता है वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ यू देंथ फार्मूला वी क्या मेरा इमेज डिस्टेंस यू क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एफ के फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और अपने को फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ही पूछ रहा है अपने को इमेज डिस्टेंस दी है सिक्सटी सेंटीमीटर लिख लेता हूं इधर वी के 60 cm, प्लस सिक्सटी सेंटीमीटर प्लस क्यूँ क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से जो राइट के डिस्टेंस रहते हैं ना वो हर बार पॉजिटिव मानते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग और यू क्या रहेगा फिर ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट में तो यू क्या रहेगा माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है तो बस ये वैल्यू सब्सट्रीब्यूट करते हैं इसमें तो वन बाई सिक्सटी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन बाई ट्वेंटी हो जाएगा ये प्लस तो वन अपन एफ तो इधर से आप फोकल लेंथ निकालोगे ले तो ये आएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर तो ये फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आ गई फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है तो ये अपना फर्स्ट पार्ट का आंसर अब दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहे इमेज हाइट पूछ रहे है आपने को इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सिक्स सेंटीमीटर जो अगर ये ऑब्जेक्ट का अगर ये हाइट है ये कितनी कितनी हो होगी ये सिक्स सेंटीमीटर बोल रहा है ठीक है तो अपने को इमेज की हाइट पूछ रहा है तो ये कैसे निकालेंगे देखो अपने को पता है जो मैग्निफिकेशन रहता है लेंस का वो क्या लिखते हैं अपन वी ऑपन यू इमेज डिस्टेंस और अपन उप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का तो रेशियो रहता है और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा बस वी अपन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो वी कितना दिया आपने को प्लस सिक्सटी यू कितना है माइनस ट्वेंटी हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपने को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है क्वेश्चन में सिक्स सेंटीमीटर ठीक है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सिक्स सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा ये वन जा ये थ्री जा तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा माइनस एटीन सेंटीमीटर ये माइनस तो सिंपल सिग्निफाई कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसा इन्वर्टेड बन रहा होगा मतलब इमेज इमेज की जो हाइट होगी वो ऐसी होगी माइनस एटीन सेंटीमीटर नीचे डायरेक्शन में इसलिए अपन माइनस पकड़ते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ठीक है तो अपनी हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी एटीन सेंटीमीटर या माइनस एटीन सेंटीमीटर बोल सकते हैं माइनस बस सिग्निफाई कर कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है ठीक है तो ये अपने फाइनल लेंथर सुझेंगे क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर